हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। आज बताने वाला हूँ ITI व NCVT नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो एक इम्पॉर्टेंट शॉप होता है जिसका नाम है कारपेंट्री शॉप व एडिशनल शॉप भी उसको कहलाता है, जो अलग से फिटिंग शॉप के साथ बिल्डिंग शॉप के साथ जो कारपेंट्री वाला वर्क होता है, कारपेंट्री मतलब वुडन वर्क जिसको काम कहलता हूँ, उसमें जो जो टूल्स का यूज किया जाता है वुडन वर्क करने के लिए, कोई जॉइंट बनाने के लिए टाइप्स ऑफ जॉइंट होता है, क्रॉस जॉइंट है, टी जॉइंट है, लैब जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, ये जो टाइप्स ऑफ जॉइंट होता है वुडन के अंदर, जैसे फर्नीचर में जॉइंट होता है, वो जॉइंट बनाने के लिए जो जो टूल्स का यूज किया जाता है वो मैं एक के बाद एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बना के रखा हूँ, दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कारपेंट्री शॉप है। दोस्तों ये दिख रहा है कारपेंट्री शॉप है, जिसमें कारपेंट्री शॉप का सबसे पहले जो यूज होता है जैसे मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, उसके बाद होता है होल्डिंग डिवाइस, होल्डिंग डिवाइसेस जिसके अंदर होल्ड करना है, ग्रिप करना है, उसके बाद स्ट्राइकिंग करने के लिए जो टूल्स है जिसका नाम है स्ट्राइकिंग टूल्स, उसके बाद कटिंग कट करना है क्या टूल्स यूज करना है, उसके बाद फिनिशिंग जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको फिनिशिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद कील ठोकना है या एडेसिव यूज करना है उसके लिए क्या टूल्स का यूज किया जाता है, ये सभी टूल्स जो है 7 टाइप्स ऑफ जो टूल्स आपके सामने दिख रहा है वो 7 टाइप्स ऑफ टूल्स में एक के बाद एक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला जो जरूरत पड़ता है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, तो मेजरिंग मार्किंग टूल्स के अंदर सबसे पहला जरूरत पड़ता है जो स्केल, जो नॉर्मली हमने स्टील का स्केल देखा हूं जिसका नाम है स्टील रूल, जो 12 इंच का होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है, जो स्टील का बना होता है जिसका नाम है स्टील रूल, उसके बाद जो होता है इसका नाम है 4 फोल्ड रूल। दोस्तों कारपेंट्री शॉप में यूज होता है, कारपेंट्री का जो इसका टोटल जो है 2 फीट का होता है, जो 4 फोल्ड का होता है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड, ये 4 फोल्ड होता है, इसलिए इसका नाम होता है 4 फोल्ड रूल, जो मार्किंग करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को मार्क करने, जैसे ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को मार्क करने कितना इंचेस का है, कितना सेंटीमीटर का है, उसको मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। 1 फीट में होता है ये 4 फोल्ड रूल, जो है 2 फीट में होता है। दोस्तों इसके बाद होता है ट्राई स्क्वायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो एक कारपेंट्री शॉप का ट्राई स्क्वायर है, तो इसका जो साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बेस होता है कास्ट आयरन का बना होता है, ये ब्लेड होता है जिसके अंदर यूनिट लिखा रहता है सेंटीमीटर और इंचेस, जो एक परपेंडिकुलर होता है, ऑब्जेक्ट को फ्लैटनेस चेक करना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इसका फ्लैटनेस चेक करना है, 90 डिग्री चेक करना है, दोस्तों ये 90 डिग्री चेक करना है, ये फ्लैटनेस चेक करना है, ये फ्लैटनेस चेक करना है, ये चेक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्किंग करना और टेस्टिंग करना, दोनों पर्पस में ये यूज किया जाता है जिसका नाम है ट्राई स्क्वायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टूल्स है कारपेंट्री शॉप के अंदर ये है ट्राई स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों जो टूल्स को मैं बताऊंगा उसका नाम है मार्किंग गेज, दोस्तों इसका नाम मार्किंग गेज, जैसे इसका सेंटर लोकेट करना है, मुझे मालूम नहीं इसका सेंटर क्या है, तो इसका सबसे पहले वुड चेक किया जाता है, उसको सेंटर पे लेके, जैसे सेंटर लिया मैंने, माना कि इसका सेंटर 10 mm ले लिया, ये 10 mm में लॉक कर दिया दोस्तों, ये लॉक हो गया, ये हमने लॉक कर दिया, मार्किंग गेज को ऐसा पकड़ना होता है दोस्तों, इसके बाद ये लोकेट किया जाता है, ये लोकेट किया जाता है मार्किंग, देखिए दोस्तों ये मार्किंग आपको सामने लोकेट हो रहा है, ये मार्किंग गेज का फंक्शन है, जितना साइज में आपको चाहिए, जैसा साइज में चाहिए उस साइज के आपको मार्किंग करके परफेक्ट पैरेलल लाइन खींच के देगा, और कोई और स्टूल नहीं है जो ये मार्किंग डबल, जैसे आपको सिंगल करना है सिंगल मार्किंग हो जाएगा, डबल चाहिए तो डबल मार्किंग हो जाएगा, जो एल्यूमिनियम का बना है, सामने पॉइंटर बना होता है, इसका नाम है मार्किंग गेज, जो मार्क करने के लिए दोस्तों, जो मार्क करके आपने सामने दिखाया, ये मार्क पैरेलल मार्क करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कितना पोर्शन काटना है, कितना ऊपर ग्रुप डालना है, कितना ऊपर राउंड बनाना है, कहाँ किल ठोकना है, सभी पर्पस करने के लिए इसको यूज किया जाता है मार्किंग गेज। इसके बाद है बीवल प्रोटेक्टर, दोस्तों कोई भी एंगल में आपको मार्क करना है, 45 डिग्री है तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में जैसा हमने बोला कि 30 डिग्री मार्क करना है, इसको 30 डिग्री करना है, दोस्तों 30 डिग्री करने के लिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी हिसाब से फंसाया जाता है, 30 डिग्री इसे ये मार्किंग कर दिया, तो इसका जैसे मैं लाइन खींच दूंगा दोस्तों, वो हमारा मार्क लाइन हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा जो मार्किंग लाइन हो गया दोस्तों, ये 30 डिग्री का मार्किंग लाइन है, इस हिसाब से 35 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री जो भी मार्क आपको करना है, तो इस प्रोटेक्टर के थ्रू पता लगता है, इसका नाम है बीवल प्रोटेक्टर, जो कारपेंट्री शॉप के लिए एंगल मेजर करने के लिए, एंगल लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसे बीवल प्रोटेक्टर, दोस्तों ये बीवल प्रोटेक्टर है दोस्तों। इसके बाद जो फ्लैट रहता है 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, एक बीच में लीड स्क्रू होता है, इसको घुमाते बराबर ऑब्जेक्ट को होल्ड करना इसका मेन फंक्शन है, जैसा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करना ये होल्डिंग डिवाइस का फंक्शन है,
जैसे ये मैंने फंसा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा होल्डिंग हो गया, ये ऐसा ही है कार्पेंट्री भाई जिसको होल्ड पर्पज के यूज किया जाता है दोस्तों। और दूसरा नंबर जैसे छोटा साइज के ऑब्जेक्ट है तो फिटिंग भाई में फिट हो जाता है, पर कारपेंटर भाई में फिट हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसका मेन फंक्शन होल्ड करना, ऑब्जेक्ट को होल्ड करना। दूसरा उससे कोई बड़ा बड़ा फ्रेम है, जैसे बड़ा साइज का 4x6 का एक टेबल है, वो टेबल को आपको फिट करना है। उसके लिए ये जो है जिसका नाम है सी क्लाम बा जी क्लाम, सी क्लाम है, जितना कितना भी बड़ा है कितना भी दूर से जाना है आपको पूरा चीज एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होकर जो भी आपका फ्रेम साइज है वो फ्रेम साइज में ये लॉक हो जाएगा और वो साइज का फिट हो जाएगा और आपको होल्डिंग डिवाइस जैसे ही काम करेगा। इसका नाम है सी क्लाम दोस्तों। उससे बात जो होता है जिसका नाम है जी क्लाम, ये दोस्तों जी क्लाम है। छोटा ऑब्जेक्ट में कोई दोनों ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है छोटा साइज में तो इस पोजीशन का यूज किया जाता है जिसका नाम है सी क्लाम दोस्तों। ये सभी तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, कारपेंट्री डिवाइस, टी क्लाम, सी क्लाम, ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो है होल्डिंग डिवाइस का पर्पस में यूज करना है दोस्तों, होल्ड करने के लिए यूज करा जाता है। उसके बाद होता है स्ट्राइकिंग हैमर। स्ट्राइकिंग हैमर एकमात्र हैमर है जो फिटिंग सब में यूज होता है जिसका नाम है क्लॉ हैमर। देखो ये क्लॉ है, कील निकालने के लिए यूज होता है, ये फ्लैट सरफेस है। ये क्लॉ हैमर है जो कारपेंटरी के एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है। ये छोड़ के बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, सभी टाइप्स ऑफ हैमर यूज किया जाता है, लेकिन मेन जो कारपेंटरी के लिए जो स्ट्राइकिंग टूल्स है वो है क्लॉ हैमर। ये सेफ क्लॉ है इसलिए इसका नाम है क्लॉ हैमर। इसके बाद होता है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स के लिए सबसे पहला जो यूज किया जाता है वो है उसका नाम है सॉ दोस्तों। सॉ इस टाइप से होता है जैसा दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा है जिसका नाम है रिप सॉ। ये बैकवर्ड काट करता है, रिप सॉ अलोंग द ग्रेन काटना है, जैसा ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ मुझे काट करना है रिप सॉ तो ये बैकवर्ड काटेगा दोस्तों। आपको जैसे खींचना है तो भी कटेगा दोस्तों, ये मैं काट के दिखा रहा हूँ, खींचने से काटता है। ऐसा काटते जाता है जिसका नाम है रिप सॉ। जब बैकवर्ड कट करना है रिप सॉ, फॉरवर्ड कट करना है तो क्रॉस कट सॉ। इसका लेंथ के ऊपर उसका साइज का स्पेसिफिकेशन होता है दोस्तों। इसके माना में डॉक्टल सॉ, डॉक्टल सॉ का जो परपेंडिकुलर कोई कट करना है, इसका तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, परपेंडिकुलर कोई कट करना है तो ये बैक सॉ का यूज करना है दोस्तों। डॉक्टल सॉ जो परफेक्ट डायमेंशन, एक जो फ्लेक्सिबल होता है तो एक टेढ़ा पे का काटने का कंडीशन रहता है, लेकिन जो डॉक्टल सॉ में ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट 90 डिग्री में आपको काट करना है, कोई छोटा साइज का ऑब्जेक्ट काट करना है तो डॉक्टल सॉ का यूज किया जाता है। इसका नाम है कंपास सॉ। स्मॉल की वे काटना है, कोई ग्रुप काटना है, कोई एंगल काटना है, छोटा सा कोई चीज काटना है, ये कंपास सॉ का यूज किया जाता है दोस्तों। कंपास सॉ का इस हिसाब से यूज किया जाता है कंपास सॉ कटिंग पर्पस के लिए। ये सभी टूल्स यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद ये कटिंग होने के बाद सबसे पहले उसको फिनिशिंग किया जाता है कटिंग करने है, तो इसके नाम यूज होता है जिसका नाम है प्लेनर। थ्री टाइप्स ऑफ प्लेनर यूज होता है दोस्तों फिनिशिंग के लिए, जैक प्लेनर, मेटल प्लेनर, स्मूथ प्लेनर। ये दोस्तों जिसका नाम है जैक प्लेनर, जैक प्लेनर ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, ये सरफेस को फिनिश करने के लिए दोस्तों सरफेस खराब था वो जिसको मुझे चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट देकर रखा है जिसका नाम है ट्राइस पर, धीरे धीरे ऐसा चेक करते जाना है वो परपेंडिकुलर बना कि नहीं है। जैसे ही परपेंडिकुलर बना जाएगा तो आपका काम कर जाएगा। तो हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं जिसका नाम है जैक प्लेनर या मेटल प्लेनर, जो सरफेस है करना ये प्लेनर का काम है दोस्तों। ऐसा वुडन का बना होता है, आयरन का बना रहता है, अलग से इसका मेन जो फंक्शन होता है वो है ब्लेड जो 45 डिग्री एंगल पे बना रहता है, जिसका कटिंग एंगल हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, ये एडजस्टेबल होता है दोस्तों। ये सभी फिनिशिंग। इसके बाद जब एक कटिंग हो जाता है, कटिंग करने के बाद आपको कुछ लगे जो इसके अंदर से कुछ एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट टूल्स यूज किया जाता है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है कारपेंटरी शॉप के अंदर जिसका नाम है चिजल दोस्तों। 3-4 टाइप्स ऑफ चीजें यूज होता है सबसे ज्यादा जो यूज होता है, मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो चीजें यूज होता है जिसका नाम है मोटाइज चीजें। मैक्सिमम मेटल को रिमूव करने के लिए जो चीजें यूज होता है जिसका नाम है मोटाइज चीजें। फिनिशिंग करने के लिए जो चीजें यूज होता है जिसका नाम है फार्मर चीजें।
दोस्तों ये सभी नॉर्मल कार्बन स्टील का बना होता है और जो एज है ये एज को हार्डनिंग करके रखा जाता है। हार्डनिंग करने के बाद इसको रिएक्ट है, इसका कोई शार्पनेस खत्म हो जाता है तो ऑयल स्टोन करके पत्थर मिलता है, एक स्टोन मिलता है जिसको घिस घिस के इसको एज बनाया जाता है जिसका नाम है ऑयल स्टोन। इसका एज जो चीजल है, चीजल का एज किसी कारण में खराब हो जाता है, उसके साथ एक स्टोन मिलता है जिसका नाम है ऑयल स्टोन, जो दो साइड होता है, एक रफ साइड होता है एक स्मूथ साइड होता है। इसको एंगल में रख के दोस्तों ऐसे हिसाब से घिसा जाता है धीरे 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 इसका जो शार्पनेस है पहले जैसे नया हो जाता है, तो आपका कटिंग जो है स्मूथली होने लगता है। रफ कटिंग करना है मोटा चीजल, फिनिशिंग कटिंग करना है तो फार्मर चीजल, ये छोड़ के डॉक्टेल चीजल टाइप्स ऑफ चीजल यूज किया जाता है। दोस्तों चीजल कैसे यूज किया जाता है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा चीजल है, ये रखा, ये हैमर रखा, ये चीजल कैसे यूज किया जाता है, ये मोटा चीजल है, ये मैंने करके दिखाया दोस्तों जो मोटा चीजल यूज किया। इसको फिनिशिंग करने के लिए ये फार्मर चीजल, फार्मर चीजल यूज करके आपको फिनिशिंग करना है तो ये फार्मर चीजल यूज करना होता है। दोस्तों फार्मर चीजें यूज करें, ये सभी टूल चीज कटिंग टूल्स के अंदर आता है, उससे भी और फिनिश करना है तो ये है रेस फाइल। ये जो दोस्तों इसका नाम है रेस फाइल, ये रेस फाइल टोटल मेटल को रिमूव करके आपको करना देगा। आपका चीजें नहीं चल रहा है, कटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिनिशिंग नहीं हो रहा है, तो आपको फाइल करना है और आपका पहला जैसा फिर 12 इंच का है। ये सिर्फ कारपेंट्री शॉप में यूजेबल फाइल है जिसका नाम है रेस फाइल। ये जितना इंस्ट्रूमेंट हमने दिखाया दोस्तों ये सभी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कारपेंट्री शॉप का टूल्स है, कारपेंट्री शॉप छोड़कर दूसरा कोई टूल्स नहीं है। कारण कारपेंट्री शॉप में जो टूल्स यूज होता है वो वुडन होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट को यूज करने के लिए ये टाइप्स ऑफ टूल्स आपको यूज करना होता है। मैं एक एक करके टूल्स आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों माय चैनल क्लासरूम दादा अच्छा लगे कॉमेंट जरूर भेजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ कैसे टूल्स यूज करना है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रॉस जॉइंट, टी जॉइंट, डॉपटेल जॉइंट और भी जो टाइप्स ऑफ जॉइंट होता है कारपेंटरी शॉप के अंदर, वो कैसे जॉइंट कैसे यूज किया जाता है, वो सब करके मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों थैंक यू।